हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 1:40 और फिलहाल मैं अभी अपने घर की छत पे खड़ा हुआ हूँ और आज का मौसम बहुत ही सुंदर सुहाना है। बिल्कुल बहुत ही शानदार मौसम है आज, आप देख सकते हैं। बिल्कुल धूप नहीं है सुबह से और बहुत ही मस्त ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही हैं। छत से ना नीचे घर के अंदर जाने का मन ही नहीं हो रहा। घर के अंदर तो फिर भी गर्मी लग रही है, तो घर के बाहर मस्त मज़ा आ रहा बाहर। तो अभी मैं छत पे आया था तो मैंने सोचा चलो आज ब्लॉग बना ही लेता हूँ। पिछले 2 दिन से जो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। पिछले 2 दिन से ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। तो आज फिर मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो आज सुबह पता, मैं सुबह 11 बजे सोकर उठा, मैंने बाहर निकल कर देखा तो मैंने सोचा यार 6 बजे मैं आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया। फिर मैंने मोबाइल उठाकर देखा तो 11 बजे रहे थे। एक्चुअली वो मौसम की वजह से नहीं, तबीयत ख़राब थी, इस वजह से मैं 11 बजे उठा। समथिंग 8 से 9 के बीच में उठ जाता था, लेकिन आज तबीयत ख़राब होने की वजह से 11 बजे उठा और लगा नहीं कि 11 बज गए क्योंकि मौसम इतना शानदार था आज। वो पूरे दिन से बिल्कुल ऐसे ही मौसम बना हुआ, सुबह से लेकर आई थिंक शाम तक भी ऐसा ही मौसम रहेगा। आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार मौसम आज का। तो अभी मैं अपने छत पे खड़ा हूँ, देख सकते हैं आप चारों तरफ आपको एक भी गर्मी दिखाई नहीं रहा है। क्योंकि हम ना अपने खेतों के बीच में हमने घर बना लिया, वहीं पे रहते हैं। पहले गांव के अंदर घर था, अब यहीं पे रहते हैं। बढ़िया मस्त ठंडी हवाएँ चलती है, सर्दियों में ठंडी हवा चलती है, इस टाइम तो गर्म हवा चलती है लेकिन आज ठंडी हवा चल रही है। चलिए चलते हैं नीचे, कुछ काम कर लेते हैं। ठंडी हवा खाने के चक्कर में तो दिन भर हो जाएगा क्योंकि छत से नीचे जाने का तो मन ही नहीं कर रहा है। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर, ये एक रूम, ये 2 रूम बने हुए हैं। इसमें एक रूम में मैं सोता हूँ, मेरे एक रूम में मेरे बड़े भैया सोते हैं। बाकी नीचे बने हुए हैं 2 रूम और एक हॉल है, तो पापा मम्मी वहीं सोते हैं नीचे। बाकी किचन भी नीचे ही बना हुआ है, बस ऊपर तो हम लोग सोने के लिए आते हैं और मैं अपना काम वगैरह करता रहता हूँ अपने रूम में बैठ के। बाकी सब काम नीचे ही होता है लगभग। चलिए तो दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ आपको आसपास का नज़ारा। खड़ा हूँ यहाँ ऊपर है छत, ये नीचे ये फर्स्ट फ्लोर है, 2 रूम बने हुए हैं। फिर ये यहाँ से नीचे जाएंगे, ये किचन बना हुआ है जिन पे ना हमने छत नहीं करवाया है। किचन पे हमने कवेलू, इनको कवेलू बोलते हैं, कवेलू ये करवा रखे हैं। तो ये इधर सामने खेत हैंगे हमारे, ये सारे खेत इधर, और हमारा गांव जो है वो इधर है। दिखा दूँ जूम करके, ये जो टावर लगा हुआ है वो गांव के अंदर लगा है, घर तो दिखाई नहीं दे रहे पेड़ पौधों की वजह से। इधर ही गांव है, हम लोग काम यहाँ गाँव से दूर रह रहे हैं। चारों तरफ दूर तक कोई नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल शांत माहौल। ये सामने अब आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये हमारे घर से समथिंग 1 किलोमीटर दूर है ये बिल्डिंग। और इस ये एक स्कूल बना हुआ है, इसी स्कूल में हम पढ़े हुए हैं। समथिंग कितने 6 to 10 तक इस स्कूल में पढ़े हैं। बहुत अच्छा स्कूल था उस टाइम पर, लेकिन अभी तो नहीं, फिलहाल तो अच्छा स्कूल नहीं रहा ये। चलिए वापस आते हैं, वापस आते हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रहा हूँ अपने रूम में और कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ये घर के सामने का नज़ारा है, पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे, ये गाय भैंस बंधी हुई हैं। अभी रूम में आ जाऊँगे तो यहाँ मैं ना अपना स्केच बनाने की तैयारी में था। बिल्कुल मैं स्केच बनाने ही वाला था, इससे सोचा मैंने चलो आज ब्लॉग बना लेते हैं। तो मैंने सारा मटेरियल निकाल लिया है और ये पेज भी बढ़िया फिक्स कर लिया है, टेपिंग कर ली है, और आज मैं ये वाला स्केच बनाने वाला हूँ। देखते हैं कैसा बनता है ये स्केच। तो चलो गाइस, अब शुरू करता हूँ मैं अपना स्केच बनाना, मिलते हैं स्केच कंप्लीट होने के बाद, देखते हैं कितने टाइम में कंप्लीट होता है। अभी टाइम हो रहा 1:45, मतलब 1:50 पे मैं बनाना स्टार्ट करूँगा। बाकी देखते हैं कितने देर कितना टाइम लगता है स्केच को कंप्लीट करने में। तो गाइस, मिलते हैं स्केच कंप्लीट करने के बाद। हे गाइस, तो फाइनली स्केच कंप्लीट हो गया है और मेरे को इसको कंप्लीट करने में समथिंग 2 घंटे का टाइम लगा है। मैं अप्रोक्स 2 के समथिंग इसको बनाने के लिए बैठा था और अप्रोक्स 4 के समथिंग इसको कंप्लीट कर लिया है।
अभी मैं वैसे इसको मैंने कल ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन ये वीडियो जो बना रहा हूँ मैं एक दिन बाद बना रहा हूँ, क्योंकि कल शाम को ना मैं बिल्कुल स्केच से फ्री होके और शादी में चला गया था, मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं इसकी वीडियो बना पाऊँ, इसलिए मैं आज दूसरे दिन इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि स्केच कैसा बना। तो गाइस कुछ इस तरह से बना ये स्केच, बिल्कुल परफेक्ट तो नहीं बना बिल्कुल, बट कह सकते हैं कि हाँ ठीक बना है, इतना अच्छा भी नहीं बना क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ये फेस पर शेडिंग की है, तो इतना परफेक्टली नहीं हो पाया वो सब। मैं इससे पहले स्केच में मैं फेस पर शेडिंग नहीं करता था, ये जो शेडिंग दिखाई दे रही है ये नहीं करता था, मैंने फर्स्ट टाइम इसे स्केच पर शेडिंग की है। ठीक है, अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करेंगे आगे, बाकी ठीक बना, इतना परफेक्ट भी नहीं बना। आप लोग बताइएगा क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं इसमें, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरा आर्टिस्ट वाला जो पेज है वो जरूर चेक करिएगा। हे गाइस, तो आज फिर मैं एक और नया स्केच बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी टोटली फ्री हूँ, अभी मुझे कुछ काम नहीं है, गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो वैसे भी कहीं जाने का मन होता नहीं है, बाहर इतनी धूप हो रही है ना, कहीं घूमने जाने का भी मन नहीं करता, ऐसा है, ऐसा मन करता है कि दिन भर कूलर चला गया, बिल्कुल मस्त बैठे रहो, उसी की ठंडी हवा खाओ, सो खाओ पियो मस्त। लेकिन जैसे कि पता ही है कि मैं इंटरेस्टिंग में मतलब आर्ट वर्क में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं बैठ के दिन भर ये कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया मस्त कूलर की हवा में बैठ के मैं दिन भर ये करता रहता हूँ। तो आज मैं ये वाला स्केच बनाने जा रहा हूँ, बिल्ली है, छोटी सी बिल्ली का स्केच ड्रॉ करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं इसका स्केच कैसे बनता है। तो चलिए अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 3 बजने वाले हैं, 10 मिनट का दे रहे 3 बजने में, इसको बनाना स्टार्ट करता हूँ, देखते हैं कितना समय लगता है इसको कंप्लीट करने में, जैसे कंप्लीट होगा आप लोगों को बताता हूँ कैसा बनता है। तो चलिए गाइस वेट करिए। हे गाइस, तो अभी टाइम हो रहा है अप्रोक्स 6:30 बज रहे हैं और फाइनली मेरा स्केच कंप्लीट हो गया है। मैंने यह स्केच समथिंग 4 नहीं 4:30 के समथिंग स्टार्ट किया था, समथिंग 1.5 से 2 घंटे में स्केच कंप्लीट हो गया है। तो वैसे इतना अच्छा भी नहीं बना, जैसे कि हर स्केच का मैं बोलता हूँ इतना अच्छा भी नहीं बना, बिल्कुल सेम टू सेम भी नहीं बना, बट हाँ ठीक है, एज अ प्रैक्टिस अच्छा बना, जैसे कि मैं एक लर्निंग पाथ पर हूँ, अभी मैं सीख रहा हूँ स्केचिंग, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अच्छे बन रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये स्केच कैसा बना, और आपको ज़रूर बताइएगा कि क्या मिस्टेक्स हैं, क्या इंप्रूवमेंट मैं कर सकता हूँ इसमें, कैसे बना स्केच ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो गाइस ये रहा वो स्केच जो मैंने अभी ड्रॉ किया है, ऐसा फ़िलहाल ऐसा दिख रहा है, बाकी आप देख सकते हैं कि हाँ ये वाला पार्ट फिर भी ठीक बना है स्केच का, लेकिन थोड़ा सा इधर जो पार्ट बना है वो थोड़ा सा ठीक नहीं बना है, अजीब सा लग रहा है वो, पर ठीक है, आगे जैसे जैसे ग्रो कर रहे हैं वैसा वैसा कुछ ना कुछ नया सीख ही रहे हैं डेली। तो आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसा बना स्केच, आप बता सकते हैं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, क्या मेरी मिस्टेक्स हैं, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्केचिंग में तो मेरा चैनल ज़रूर चेक करिएगा, जो कि जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। चलिए थोड़ा घूम फिर के आते हैं, काफ़ी थक गया हूँ बैठे बैठे, चलिए घूम के आते हैं।